नवागत सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने मंगलवार को गोरखपुर न्यूज से रूबरू होते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा स्वास्थ्य को बेहतर बनाना ही पहली प्राथमिकता है। सरकारी स्तर पर मिलने वाली सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं जिनके गोल्डन कार्ड नहीं बने हैं उनका अभियान चलाकर कार्ड भी बनवाया जाएगा। इस दौरान नवागत सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 6 जगहों पर वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन आज से शुरू हो गई है। आज जिला महिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, शाहपुर पीएचसी और खुराबार भट्ट कैंपियरगंज में ड्राई रन किया गया है। वहीं सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने जिले में एआरबी की किल्लत के बारे में बताया कि वर्तमान में एआरबी वैक्सीन खत्म हो गई है। शासन को डिमांड भेजा गया है 1 से 2 दिनों के अंदर पर्याप्त मात्रा में एआरबी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, जिसके पश्चात मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, मैं डॉक्टर सुधाकर पांडे गोरखपुर का सीएमओ हूँ। इसके पहले मैं प्रयागराज में था, प्रयागराज में एडिशनल डायरेक्टर के चार्ज में था 2 साल से, और वहाँ से मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। सर, आप गोरखपुर जिले में आए हैं, सीएम सिटी है, तो यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या प्राथमिकताएँ होंगी? ऐसे तो इस ज़िले की स्वास्थ्य सेवाएँ बिल्कुल ही बेहतर हैं, प्रदेश के सभी ज़िलों से अच्छी चल रही हैं, फिर भी सुधार की ज़रूरत होती है, तो हम उसी जो सुधारात्मक प्रयास चल रहे हैं उसको प्रयास करते रहेंगे। हमारा मेन मोटो रहेगा कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देना। हॉस्पिटल्स चल रहे हैं उसमें सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की ज़रूरत है। कुछ हमारे अस्पताल क्वालिटी बेस्ड हो गए हैं, हमारे CSC क्वालिटी बेस्ड हो गई, एक नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड होता है जो कि पूरे ऑल ओवर नेशन में किस एक स्टैंडर्ड बना मानक दिया गया है, उस पर हमारे कुछ PSCs खरी उतरी हुई हैं। बाकी जो PSCs हमारी उस लेवल में नहीं है उनको भी उसी लेवल में लाना है। तो हम जो सेवाएं दे रहे हैं उनको क्वालिटी भी सेवाएं अच्छी तरह की सेवाएं दी जाए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सेवाएं देनी चाहिए वो देने का हमारा महत्व है। सर, जो मरीज भर्ती होते हैं अस्पतालों में उनसे डॉक्टर और स्टाफ नर्सों का किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, इसके क्या कहें? बहुत ही अच्छा होना चाहिए, वो हमारे सदस्य हैं, पूरा जिला हमारा सदस्य है, परिवार है, हमें जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, भाई हैं, अगर कहीं भर्ती होते हैं तो हम जिस तरह से महसूस करते हैं कि इनकी अच्छी सेवा होनी चाहिए, उस तरह से हम मरीजों के लिए, वो भी हमारे ही अंग हैं, उनको भी उसी तरह की सेवाएं देनी है जैसे अपना है। सर, कोविड को लेके एक बड़ी चुनौती थी, तो उससे थोड़ा सा स्वास्थ्य विभाग ने मतलब कंट्रोल कर लिया है, तो आज से जिले में सर वैक्सीनेशन का भी ड्राई रन स्टार्ट हो गया है, तो इसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से आप लोग इसको संचालित करेंगे? जी, हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, हमारे 75 पॉइंट तैयार किए गए हैं जिसमें एक्चुअल वैक्सीनेशन जब शुरू होगा तो होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए सारे स्टाफ ट्रेंड हो गए हैं, वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी वो सब ट्रेनिंग दी जा चुकी है, किस तरह से उनका देखभाल होगी वैक्सीनेशन के बाद उसकी भी जगह लोकेट कर दी गई हैं, उनको कहाँ रखा जाएगा 30 मिनट के लिए, उनको अस्पताल में ही रोका जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उनको फिर जाने दिया जाएगा। सर, जिले में कितने जगहों पे आज ये ड्राई रन वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ? हाँ, हमारे ज़िले में 6 जगहों पर ड्राई रन किया गया है, जिसमें से 3 शहरी क्षेत्र रहे हैं। शहरी क्षेत्र में हमारा महिला हॉस्पिटल था और उसमें BRD मेडिकल कॉलेज और हमारी अर्बन CSC शाहपुर रही है, और 3 प्राइवेट, 3 रूरल एरियाज के भी हमारे PSC रही हैं, एक खैराबर, भट्ट और
कैंपियरगंज छवों पर हमारे आज का जो रन जो था बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। कहीं कोई तरह की गड़बड़ नहीं पाई गई, सब बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। सर, दिल्ली में इस समय ARV की किल्लत है, CSC PSC पर भी ARV की इंजेक्शन नहीं लग पा रहे हैं, ऐसे में जिला अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, मरीज हंगामा भी करते हैं, इसके लिए क्या? हमने कल ही भेजा हुआ है अपने हमारे कॉरपोरेशन को कि हमें इसकी ज़रूरत है, ARV की ज़रूरत है, तो संभवतः हमें एक ही दो दिन में ARV मिल जाएगी, पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी, कोई कमी नहीं रहेगी। सर, कोविड काल अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, तो इसको लेकर सर आम जनमानस से क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल उसी तरह से हमें अभी प्रिवेंशन लेना है, मास्क लगाना है, दो गज की दूरी मेंटेन करनी है, भीड़ भाड़ के इलाके में बिल्कुल ना जाए, और प्रिवेंशन जो है उसको अभी तब तक फॉलो होना जब तक वैक्सीन आने के बाद भी हमें फॉलो करते रहना है। ये हमारा हेल्दी मास्क लगाना तो हमारी हेल्दी परंपरा है, क्योंकि मार्केट में एरिया में पोल्यूशन इतना ज़्यादा, अगर हम मास्क लगाते हैं तो हमें कोविड के अलावा बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस भी इसी तरह से स्प्रेड वाली बीमारी है। हमारे जो सांस लेने की परेशानियां, एलर्जी जो हैं, सब डस्ट एलर्जीज होती हैं, पोलन डस्ट एलर्जीज होती हैं, वो सबसे बचाव हमारा हो सकता है। पब्लिक को इसको अपनाना चाहिए और हमेशा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप मास्क ज़रूर लगाएं।